ये पैसे इसके वहाँ पे एक डंडा टाइप का दिख रहा जिसमें मैंने वो गोल गोल वाला There's no doubt in my mind. You will always be. Good morning, friends. और अभी कुछ दिनों से मेरा दिन का शुरुआत होता है गर्म पानी करके. जैसा गर्म पानी तो पहले भी पीती थी लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. उसमें थोड़ा सा नींबू क्योंकि ये विटामिन सी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा सा हनी. गर्म पानी में हनी बहुत ही अच्छा होता है और मैं ये कंटिन्यू नहीं करती हूँ, हर टाइम चेंज करती रहती हूँ. आज का वेदर देख के आप लोग चौंक जाओगे. सुबह से बारिश थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा गिरा था, मतलब होता ना कुछ बूंदे. अभी तो एकदम क्लाउडी वेदर है. 10:15 बज रहा है तो देखो कोई धूप का आता पता नहीं. अभी बारिश शुरू हो जाएगी इसलिए मैं सोच रही हूँ बाहर कपड़ा अभी नहीं टांगूंगी. मुंबई में बारिश ऑलमोस्ट 10 तारीख को आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेट होता है. लेकिन अभी तो लग रहा है प्री मानसून भी होता है. मुंबई का बारिश सबको ही पता है बहुत फेमस बारिश है. ऑब्वियसली बहुत फेमस क्योंकि 3 महीना होगा कंटिन्यू होगा वो बहुत जोर से. तो वही सुबह से मैंने सोचा अभी चलो एक बार बाहर देख. दरवाजा जब खोला तुमने है हुआ क्या था? हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग. तो बोलो गुड मॉर्निंग. जब ब्रश करते हो कैसे हो बताना जरूर. बताना जरूर तो आप लोग कैसे हो. आज थोड़ा लेट करके उठी क्योंकि आज वीडियो भी नहीं जाएगा क्योंकि आज सुबह से नेट नहीं है. आज सुबह से नहीं कल रात से पत्ती गुल जैसा हो गया. आप लोगों का लक अच्छा रहा तो ही वीडियो जाएगा अदरवाइज नहीं जाएगा. कल रात को सांतनु ने फोन भी किया था बोले कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है मेरा कनेक्शन में तो देखते हैं अभी कब तक होता है. सांतनु सुबह से आज ऑफिस का काम नहीं किए इसीलिए बोले आज चाय बना संडे जैसा फील कर सकते हो. कल संडे था ना तो कल एकदम सुबह से उठ के एकदम ऑफिस का काम में बैठे हुए थे इसीलिए बोले आज पीऊंगी. आज दो डस्टबिन निकल गया क्योंकि कल परसों जो डस्टबिन लेने आते हैं ना भैया वो नहीं आए थे. क्या बोल रही है सुना? मेरा प्रेडिक्शन करें. तुम्हारा प्रेडिक्शन नहीं वेदर रिपोर्ट का प्रेडिक्शन. वेदर रिपोर्ट 3 तारीख की बोल रही है. तो तुमने भी बोला था कुछ तो न्यूज देखे बोला था. ये कैफे ओपन को चेंज करो नहीं. तो 24/7 कैफे ओपन नहीं हो सकता. पॉसिबल नहीं है. मैं तंग आ चुकी हूँ ये 24/7. हाँ कोई भी बना सकते है. तो तुम तो 24/7 कोई खाता नहीं है उसको चेंज करो. कुछ अलग चाहिए. तुम्हारा ये जम्बो है डम्बो या जम्बो. चाय अच्छा बनाना पड़ेगा नहीं तो सांतनु एक ही दिन सुबह में नॉर्मल टी पीते. स्विगी जैसा चाय बना रही. स्विगी ऐसा करके चाय बनाते एक चम्मच लेती है उसको वो ठेले वाले के पास देखा है ना चाय वाले के पास ऐसे ही अच्छा वाला अच्छा वाला बनाना चाहिए. देखो इसीलिए मैंने बोला ना आप लोग एक दिन चाय पीने में मिलता है सुबह सेम टू सेम. मैंने चाय वाला नहीं चाय वाली. चाय वाली अच्छा सुबह सुबह सांतरा क्या खा रहा पता है दाल पूरी. कल मैं शाम को एक बार बना के रख दिया था वो फ्रिज में रख दो ना उसको खुशी होती. और मैं तो सुबह सुबह मारे बिस्किट एक दिन मारे बिस्किट सुबह में दो चार दिन ट्राई करने के बाद फाइनली इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही पड़ा क्योंकि इस टाइम पे किसी को घर पे अलाउ करना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है. एक तो उनके साथ बोलता ना उनके साथ थोड़ा दूर दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी काम करने आता है लेकिन क्या करे सिचुएशन ही ऐसा है. और अभी पूरा घर सैनिटाइज किया. अभी इलेक्ट्रिशियन आए थे जो बोला ना स्विच वो स्विच पूरा चेंज करना पड़ा. सामने का घर का फैन और स्पार्किंग हो रहा था कल रात को तो एकदम हम डर गए थे. मेन स्विच में ये जो मेन वाला लाइट है ना बीच वाला वो लाइट छ करके वहाँ पे कुछ लूज या कुछ तो कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था तो वही ठीक करके गए. लेकिन बाहर से कोई आता ना तो थोड़ा मतलब डर तो लगता है. जैसे भी वो लोग ग्लव्स मास्क पहन के आए थे फिर भी पूरा ये जगह सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया और पूरा धोया. हाँ मतलब पूरा मॉपिंग किया डेटॉल से. ये है मेरा एक रेसिपी का डायरी. मैं इसमें सारे लिख के रखती हूँ तो आप लोग भी जरूर करना. मेरे जो भी रेसिपीज दिखाती हूँ वो लिख के जरूर रखना वो बहुत हेल्पफुल होता है बाद में. ये सिर्फ एक है 4-5 है मेरे पास इससे ज्यादा ही होगा. तो आज स्वीटी क्या बना रही है? महाराष्ट्रियन स्टाइल छोले. हाँ ऑलरेडी दिखाया था लेकिन उसको बनाना था बहुत
उसको बहुत पसंद है, स्वीटी और मुझे बहुत पसंद है। शांतनु का कैंटीन में बनता है। वो अभी सीखने की कोशिश चल रही है। आज महाराष्ट्र स्टाइल चना छोले छोले चना नहीं, चना तो वो घोड़े वाला खाता है। वीक में एक दिन स्वीटी खाना बनाते हैं ना। हाँ, इस दिन उसको नया कुछ रेसिपी ट्राई करना है। जीरा, होल कोरिएंडर, सौंफ, तेजपत्ता, जिंजर, ग्रीन चिली, गार्लिक, जायफल, जावित्री, तारानीस या फूल चक्री, ये सिनेमन, इलायची और लौंग, ये सारे पेस्ट बनाना है। अरे ऐसे स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो ये रेडी हो गया मसाला। जीरा, तेजपत्ता, चॉप्ड अनियन, करेले, इसको अभी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसमें अभी चॉप टमाटो, सॉल्ट, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर, इसको अभी फ्राई करना है। टमाटो अभी सॉफ्ट हो गया, तो इसमें अभी वो मसाला का पेस्ट देंगे। इसका अभी 10 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ना ऑयल छोड़े। तेल छोड़ दिया और मसाला भी ब्राउन हो गया, तो इसमें अभी बॉइल्ड छोले देंगे। और अभी इसको 10 मिनट बॉइल करेंगे। ये छोले तो जरूर ट्राई करना, ऑलमोस्ट जिन्होंने जिन्होंने ट्राई किया तो बताना जरूर है किसने किसको पसंद आया या कैसा लगा। और यहाँ पे ये अनियन और क्यूकम्बर चॉप्ड, कचुम्बर, दही विथ चाट मसाला, राइस विथ पानी अरे नहीं, राइस, बॉयल राइस, बस। ये अंबे मोहन राइस बनाया, फ्रेग्रेंस वाला कुछ, या तो बासमती राइस भी अच्छा लगा। कैसा बनाया स्वीटी, तुमने ट्राई तो किया है? अच्छा, ये देखो, तुमको तो पसंद नहीं है, तुमको तो पसंद नहीं है। कौन सा? ये वाला, तुम्हारे कैंटीन वाला छोले। ये उग्र होता है, स्पाइसी, अच्छा फ्लेवर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा, और एक स्पेशल चीज होता है कड़ी। इसके साथ फेवरेट कॉम्बिनेशन, शांतनु का फेवरेट कॉम्बिनेशन। अब थर्सडे होता है, हम लोग कुछ दिन सोचते, स्वीटी भी सोचते, बोल हम लोग क्या सोचते, काश हम लोग भी शांतनु का कैंटीन में जा पाते ना। और एक मेथड, ये दिल्ली वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी सारे वीडियोस में देखती हूँ ना इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा करके छोले दिया जाता है, उसके ऊपर ये जो सैलेड रहता है वो थोड़ा सा दही रायता या जो भी रहता है, और उसके ऊपर धनिया पुदीना का चटनी, ये होता है असली मेथड। ये छोले खाने का मेथड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी परीक्षा का घड़ी स्टार्ट, टीचर कैसा है इससे प्रमाण आ जाएगा। स्टूडेंट कैसा है इसके ऊपर, टीचर कैसा है वो समझे। हाँ, अभी तो खुद को बचाने के लिए अच्छा बोलना, ऑनेस्ट रिव्यू, 10 में से नौ मार्क्स, इसलिए मैं टीचर को भी बनी, खुद खा के खुद का रिव्यू दो। रिव्यू देना बहुत मुश्किल है, ये छोले ना मेरा फेवरेट छोले। इसमें नींबू लेना लास्ट में। हाँ, इसमें और एक चीज जरूर डालना, नींबू का रस लास्ट में निचोड़ के थोड़ा सा, वो असम लगता है। देखो एक चीज, पास या फेल या कितने मार्क्स आए वो बड़ी बात नहीं होता है किसी भी चीज में, या कुकिंग हो या अपने लाइफ का पढ़ाई हो या जो भी जॉब कर रहे हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बना रहे हो, कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज होता है। कैसा बना? बहुत अच्छा बना, घर पर जरूर ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। हाँ, और स्वीटी के ये वीडियो पे लाइक कितना आना चाहिए वो आप लोग सोच लो, मतलब स्पेशल कुछ बना रही है उसको थोड़ा बहुत बोलते ना प्रोत्साहन, अप्रिशिएट, अरे हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, प्रोत्साहन जरूर करना, इसलिए लाइक तो ढेर सारा चाहिए, ढेर सारा। सैटरडे वाला वीडियो पे आप लोग ने 4800 मतलब 24 घंटे से पहले वो आया था, थैंक यू सो मच। अभी हर वीडियो पे वही 4000 फ्रेंड तो आना ही चाहिए, लाइक हिसाब से, लाइक डिसलाइक जो भी है, अभी लाइक डिसलाइक अलग कुछ ही नहीं होता है, अरे खा लो एंजॉय। स्वीटी ने खाना बनाया, 3 चाकू यूज किया, सोचो मतलब कितना चॉपिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का।
आधा चॉपिंग मैंने कर दिया, लेकिन मैक्सिमम उसका किया है। उसको चॉपिंग करना अच्छा लगता है। You shine like gold, so selfless to all. बिस्किट नहीं है और मेरा मारे बिस्किट और भी कुछ सामान सांतनु का एक मेडिसिन वो सारे ग्लास पहनना है। भाई सचमुच है सांतनु ऑफिस कैसे जाते हैं रोज रोज इतना काम पकड़ ये ग्लास पहन के रहना ब्रीदिंग कर रही हो ना मेरे चश्मा देखो पूरा फॉग टाइप क्योंकि आज पूरा ह्यूमिडिटी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है आज बारिश भी बारिश जाना हाँ 4 बजे बंद हो जाएगा मुझे याद नहीं था क्योंकि पहले जैसे सोच रही थी और क्रेडिट कार्ड को निकाल रखे पॉकेट कार्ड को फुटो नहीं था और बोल नहीं है ना वेदर मिट्टी पूरा गीला गीला क्लाउडी क्लाउडी वेदर बारिश आने पूरा गाड़ी तो धोया जाता हो अरे वाह पूरा गाड़ी धो लेता आधा धोया इतना दूर धो लिया थोड़ा बहुत जितना भी बारिश हुआ था अरे एकदम गंदा आज मेरा ड्राइवर का तो देखा ड्राइवर जी अच्छी तरह से चलाना एक्चुअली शांतर को पता नहीं क्या लेना है नहीं लेना है नहीं तो वही जाता है मैं सोचा मैं चलो जाना कहाँ मैडम जाना कहाँ है चलो मीटर ऑन कर दे रहा हूँ मीटर ऑन कर चलो फ्री फंड में जाना है ये देखो स्वीटी के सारे टॉयज ये सारे टॉयज बेचारा सोच रहे स्वीटी आई नहीं कितना दिन मिक्की माउस सोच रहे स्वीटी आई नहीं सिर्फ ग्रोसरी स्टोर मेडिकल स्टोर हाँ वो ब्रेड वाली दुकान मिल्क का शॉप ये सारे खुला है बाकी तो कोई दुकान नहीं देख रही हूँ बाकी तो सब बंद है। ये कश्मीरी चिली पाउडर है। ग्रीन भाई कैसा लगा युद्ध करना इससे ज्यादा ना करना खाना बेटर है अरे स्कॉच ब्रेड हमको पैसा दो ना कैश बाहर में अभी निकलना ना कोई मतलब चारों तरफ देख के कुछ अजीब ही फील हो रहा है मतलब वही जाना पहचाना जगह लेकिन कुछ अलग और सब अभी तो सब निकल रहे हैं मतलब घर जाने के लिए मतलब शायद एक नॉर्थ ईस्ट का पूरा ग्रुप जा रहे है मतलब आसाम से या कहीं उधर से ही होगा और एक यूपी बिहार का पूरा सब जा रहा है क्या करें अभी और भी 30 दिन तो मतलब जिनका मजबूरी है तो उनको जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम का एक बोला ना झटका देने वाला चीज हाथ पाथ किधर के यहाँ मैंने टच किया वो तरह डर भी तो लगता है पहले सामान लाके कितना खुशियाँ होता था लेकिन अभी सामान लाके मतलब क्यों लाए मतलब खाने का भी मन नहीं करता उस टाइम पे इतना मतलब गुस्सा आता है क्या करें अभी सबका लाइफ ऐसे सिचुएशन हो चुका है सब कुछ सैनिटाइज जैसा कार्ड मोबाइल सब कुछ सैनिटाइज किया चलो खजाना देख लो आप लोग ये खजाना रोज शांतु ने एक बार करके खोल रहे वाह वाह पैकेट भी डाला मेरा इतना अच्छा बस्ता अरे हो गया तू अरे वाह एकदम हो गया अरे वाह ये हो गया ये वाला ये लेकिन ये वाला क्यों नहीं हुआ इसको मैंने परसों देखा था और भी ग्रीन था आज थोड़ा हुआ ये देख के आप लोगों को लग रहा ना कितना टेस्टी है लेकिन उतना टेस्टी नहीं है ये भी है हाँ लेकिन उतना टेस्टी नहीं है ये मैंगो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी बाकी तो ग्रीन है पंछी का घोंसला जैसा है वो अंडे जैसा हाँ वही मतलब सोने का अंडा जैसा रोज देखता है रोज इसको बापरे आके बाहर से आना मतलब क्या बोलता है शांतनु युद्ध करना मैं तो थक गया आके नहाई स्कॉच ब्राइट भी मिल गया मुझे क्योंकि साइड वाला दुकान थोड़ा सा खुला रहता है तो सर मुझे मिल गया मतलब स्कॉच ब्राइट नहीं है खत्म हो रहा है एकदम हाथ एकदम मतलब घिस गया शांतनु जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे तो लगता है काश मैं थोड़ा सा जा पाती हूँ मतलब देखो एज ए ह्यूमन मैं बोल रही हूँ जाना नहीं चाहिए तो एक दिन चले जाओ ना तो आपको एक महीना तो लगेगा नहीं छोड़ा बाउंडरी है उससे बाहर निकली 2 महीना बाद हाँ वही लॉकडाउन से पहले पहले एक दिन गई थी स्वीटी के लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ क्योंकि आज उसने इंडियन खाना बनाया है ऑब्वियसली थोड़ा अप्रिसिएशन करना चाहिए ना मतलब देखो मुंह से अप्रिसिएशन करने से ज़्यादा थोड़ा उसके उसको खुश करने के लिए कुछ उसका पसंदीदा चीज़ बना दोगे ना तो खुश हो जाता है यहाँ पे पतला पतला कटा हुआ कैप्सिकम अनियन और क्यूकम्बर
और इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं पतला पतला काट के, लेकिन कैबेज है नहीं फिलहाल। और वाइट पेपर ये बच्चों के टिफिन स्नैक्स ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर दोनों। और नेचुरल मेयोनीज यूज कर रही हूँ, आप चीज़ भी यूज कर सकते हो। बिना खट्टा दही से भी होता है, एकदम कम खट्टा। मेयोनीज अगर किसी जगह पे नहीं मिल रहा है या किसी के घर पे नहीं है तो दही से, दही को थोड़ा मतलब मलमल में कंकर्ड कर लेना। थोड़ा सा शुगर, क्योंकि ये मेयोनीज एकदम सॉल्टी है तो स्वीटी को थोड़ा सा मीठा पसंद है। थोड़ा सा अमूल प्रोसेस चीज। ये एक स्वीटी के लिए ब्रेड लाई है, कुलचा हिसाब से मतलब बिक रहा था। इस टाइप का बड़ा वाला बन को इस तरह के पॉकेट मतलब उसको बीच में चीरा लगाया और इसके अंदर ठूसो और इसको जस्ट तवे में या तो आपका सैंडविच में कर सकते हो, उसमें बिना तेल का मैं सेक रही हूँ, आप घी या तेल यूज कर सकते। ये है आज का पार्टी, स्वीटी का पार्टी है। स्वीटी डेली एक खाना बना देना फिर हम लोग ऐसे पार्टी। असल वाला चीज देखो, असल वाला। ये मेरा रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट नूडल्स है, शांतनु को बहुत पसंद आया था। शांतनु पहली बार मेरे मोची स्पेशल हमारे वहाँ पे मम्मी भी बनाती है। एक टू टू और ये है स्वीटी वाला, देखो स्वीटी का रू अफ्सा, लेकिन मीठा उतना नहीं है, मतलब कम डाला उसने, सिरप को कम डाला। ये देखो रू अफ्सा भालू, बस ओनली भालू, ओनली भालू। जब उसका मुझे पता है उसको कौन, नॉट हाथी, हाथी नहीं भालू नहीं, मुझे पता चल जाता है उसको क्या पसंद आ रहा है। हर मम्मी को पता चल जाता है जब बात करने के लिए टाइम हाँ, नहीं है वो जब बात नहीं करते ना, मतलब सोचो मतलब वो बहुत हमें बीजी घुस गई दादा मिठाई कहाँ बनाया, नया चीज, नया चीज उद्घाटन के लिए मिठाई चाहिए ना। अच्छा इसके लिए भी मिठाई हैंगर डालता है ना, ना सो आता उधर बना हैंगर लगवे कहानी। देखो इसमें कपड़ा ऑलमोस्ट दो वॉशिंग मशीन ना, हाँ मतलब डेढ़ वॉशिंग मशीन कपड़ा, मतलब 7 लीटर करके जो इतना, मतलब बहुत किफायती है रियली। मुझे पहले ना ये वाला उतना पसंद नहीं था, और भी बहुत सुंदर, थोड़ा छोटा कॉम्पैक्ट टाइप का होता है ना, मतलब दिखने में सुंदर, साइड में रखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन शांतनु बोला देखा मेरा बात सुन के, अभी शांतनु की बात सुन के मुझे ले, क्योंकि कपड़ा होता है अभी बारिश में तो एक साथ नहीं दे सकते ना, तो ये पूरी फैन चलेगा रात को बारिश में, और मेरा बाहर कपड़ा देना बंद हो गया, क्योंकि आज रात को भी हुआ था बारिश, मतलब ऑलमोस्ट सुबह में पता नहीं अभी कब आ जा रहे हैं। मुंबई पे ऐसे ही सुखाते हैं, कोई रस्सी टांग के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पैसेज के, वहाँ पे एक डंडा टाइप का दिख रहा है जिसमें मैंने वो गोल गोल वाला टांगे है, हाँ और इधर ऊपर में भी है। ये बारिश के लिए पहले से ही है, ये दोनों में रस्सी टांगा जाता है, 3 रस्सी आता है ऊपर में, कोई कोई ऊपर यहाँ पे भी टांगते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा सूखता नहीं है उतना जल्दी। हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव ऑल माय फ्रेंड्स। यह है छोटी वाली स्वीटी जिसका 2 सिंग है, पीला कलर के सिंग, 2 दांत के बीच में फाक है, देखो बचपन में उसका टीथ ना ऐसे ही था स्टाइल, मतलब चश्मा, ये वाला चश्मा उसको बहुत पसंद था, अभी छोटा हो गया ये।